नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने दो फ़ोटो उनको एक ही जगह पे मर्ज कैसे करना है और एक ही जगह पे कैसे सेट करना है। दोनों फ़ोटो एक फ़ोटो के अंदर, यानी आपको टू फोटोज़ इन वन फ़ोटो यानी मर्ज करना है। अगर दो या तीन फ़ोटो है उसको एक जगह पे मर्ज करना है तो हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मर्ज उन फ़ोटो को कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आपका जो फाइल है यानी आपके जो फ़ोटोज़ है उनको ओपन कर लेना है और उनको वहाँ पर पहले वाले का जो है वो पेंट में ओपन कर लेना है और इसको क्रॉप करके आपको सेट कर लेना है। जैसे कि हम पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे और दूसरा वाला जो है उसको भी हम पेंट में ही ओपन करेंगे, यानी हमारे पास अब दो दो ओपन किए हुए हैं, दो इमेज हैं। सो हम इसको हम दोनों को क्रॉप कर लेंगे। पहले सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आपको सबसे पहले क्रॉप कर लेना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है और इसको मिनिमाइज करना है। और यहाँ पे पहले वाले को ओपन करना है और इसको भी आप सेलेक्ट ऑल करके आपको क्रॉप कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है और सेव कर लेना है। और इसको आपको यहाँ पर दूसरे वाले में जाना है और इसको आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल ए पे क्लिक करना है और इसको कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। और इसको मिनिमाइज़ करके आपको पहले वाले में आना है और इसको आपको खींचना है ऐसे। इस तरह से आपको खींचने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक दबा के पेस्ट करना है या फिर कंट्रोल वी प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको क्लिक करके आपको इधर खींचना है। देखिए इस तरह से आप कौन से भी डॉक्यूमेंट हो आप इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं, यानी दो फोटो को आप एक ही जगह पे, यानी फ्रंट साइड और ये लेफ्ट साइड बैक साइड, और इसको ऐसे खींचने के बाद आपको इसको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए और इसके बाद देखिए आप पहले वाले में सेव किए थे, आपको इसको ओपन कर लेना है। देखिए इस तरह से आपका जो दो फोटो है वहाँ पे मर्ज हो चुका रहेगा। इस तरह से आप अपने फोटोज़ को मर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।